यस बैंक कितना चर्चा में रहा है ये शेयर, हर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। हर कोई ये चिंतित है कि मुझे यस बैंक को जो इतने कम भाव पे आज के दिनों में मिल रहा है, मुझे उसको आने वाले समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि यस बैंक आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोग जो रातों रात स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने की संभावनाएं रखते हैं, सोच रखते हैं, उनके लिए क्या यस बैंक वो जादू की छड़ी साबित हो सकता है? चलिए यस बैंक का एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसमें। और हाँ, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करें यस बैंक की। यस बैंक एक ऐसा शेयर है जो अपने 2005 में जब वो लिस्ट हुआ था उस समय 45 रुपये से जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद उसने लो लगाया 11 रुपये के आसपास में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2005 में 11 रुपये का लो लगाने के बाद 2018 तक का जो सफ़र यस बैंक का रहा बहुत ही शानदार रहा। 2018 में यस बैंक ने 404 रुपये का हाई तक लगा दिया। कोई भी अगर इस चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करे या कोई भी शेयर की जर्नी को देखने की कोशिश करे तो हर किसी के मुंह में पानी आ सकता है, हर किसी को स्टॉक मार्केट बहुत ललचा सकती है, हर किसी को लग सकता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक को लेकर रखें तो हमें पैसा बनेगा ही बनेगा। यस बैंक एक ऐसा शेयर रहा है जिसने हमेशा टाइम टू टाइम डिविडेंड्स दिए हैं, डिविडेंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पर यस बैंक के अंदर जो वर्किंग स्टाइल है, जो बिजनेस है, उनका उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, यस बैंक का रिटेल कारोबार कम है, वहीं कॉरपोरेट कारोबार ज़्यादा है, वो कॉरपोरेट लैंडिंग में ज़्यादा बिजनेस है उसका। अगर कॉरपोरेट लैंडिंग का बिजनेस को देखा जाए तो 65% के आसपास उसका कॉरपोरेट लैंडिंग बिजनेस है और रिटेल लैंडिंग बिजनेस जो है 35% के आसपास का है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो के हाईलाइट्स पर नज़र लगा लेते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू और उसकी मैनेजमेंट। कंपनी क्या है, कौन है, कब शुरू हुई, कौन उसकी मैनेजमेंट है। आजकल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत दाव लगाए जाते हैं कि अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो हमारे कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट रहने वाला है, हम उसकी वैल्यूएशंस को चेक करने वाले हैं कि कंपनी की असली वैल्यूएशंस क्या हैं। वैल्यूएशंस को देखते हुए क्या हम उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तीसरी हम जो बात करने वाले हैं उसके हम कुछ की फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या दिखाता है दोस्तों, कि उस कंपनी का जो शेयर्स है किस किस के पास है, किसने अपने पास कब से रखा हुआ है, कोई उसमें एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें फ्रेश पोजिशंस बन रही हैं नहीं बन रही हैं, तो उससे हमें कुछ एक अंदाज़ा लग जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना है। पांचवी हम चीज़ करने वाले हैं, पीयर कंपैरिजन करेंगे कि उस सेक्टर के, जिस सेक्टर से हमारा यस बैंक आता है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, उसके पीयर ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे भी एक अंदाज़ा लगेगा हमें। फिर हम बात करने वाले हैं उसके थोड़े से टेक्निकल ओवरव्यू की, हम उसका चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, अंत में हम आपके लिए बोनस टिप्स लेके आने वाले हैं, वो बोनस टिप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं वो इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में अगर आप यस बैंक को शामिल करना चाहते हैं तो उन भावों को देखते हुए ही एंटर करें। दोस्तों, जो भी एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अपनी स्टडी है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लें स्टॉक में एंट्री करने से पहले। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट कौन है। मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो हम राणा कपूर का जो नाम सुनते थे, राणा कपूर अब मैनेजमेंट में नहीं है दोस्तों। अब इसकी मैनेजमेंट में रवनीत गिल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, प्रतिमा शिरोय हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, टीएस विजयन हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, महेश्वर साहू है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और मिस्टर ब्रह्मदत्त जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन हैं। ये तो रही मैनेजमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस हमें क्या बताते हैं कि इस कंपनी की असल वैल्यूएशन क्या है, हमें इसको हमें इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसके आंकड़े बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। मार्केट कैप का अगर लिहाज देखा जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यस बैंक निफ्टी 50 में अभी शामिल है, जो आने वाले समय पर निफ्टी 50 से बाहर हो सकता है, जिसकी जगह श्री सीमेंट लेने वाला है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ है इसके लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,977 करोड़ का अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई देता है, और अभी इंडस्ट्री पी अगर देखी जाए तो 38 की है और बुक वैल्यू इस शेयर की 105 की बुक वैल्यू है, अभी बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है शेयर। बहुत सारे ऐसे एमएचओ ट्रेडर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे जो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट करने चलेंगे, उनको लगेगा कि अगर बुक वैल्यू से नीचे शेयर मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बाइंग है, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती है, हमें बहुत सारे की पैरामीटर्स को देखना होता है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम किसी कंपनी की नींव को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे हम बिल्कुल भी एंट्री ना करें, क्योंकि
एक फैक्टर हमें डिसगाइज कर सकता है, हमें मिसलीड कर सकता है और हमारी पूरी की पूरी हार्ड अर्न मनी खराब हो सकती है, कई खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। दोस्तों कंपनी का डिविडेंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है और इसकी आगे चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स को आगे बढ़ाते हुए अगर देखा जाए, देखिए यस बैंक क्या है। यस बैंक एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। इसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, वो ब्याज इंटरेस्ट इनकम होगी। जो भी फाइनेंशियल कंपनी होती हैं उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो होता है उसका इंटरेस्ट इनकम। तो अगर हम इनकी इनकम स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करें तो बहुत आप देख सकते हैं आसानी से, जो इंटरेस्ट इनकम हमारी सितंबर 2018 से हम कंपेयर कर रहे हैं, 2018 सितंबर में जो 7231 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हुआ करती थी, जो एक समय में 7958 करोड़ तक पहुंच गई थी, वो सितंबर 2019 तक आते आते मात्र 7386 करोड़ रह गई है। मात्र 7386 करोड़, मतलब इंटरेस्ट इनकम में गिरावट आई है, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ इनकम गिर रही है। अदर इनकम्स की बात करें तो वो भी जो पिछले जून 2019 में पिछले क्वार्टर में क्वार्टर एंडिंग में 1272 करोड़ 1272 करोड़ हुआ करती थी, वो गिर के 945 करोड़ रह गई है। दोस्तों वहां भी गिरावट है। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखा जाए, एक्सपेंसेस गिरे दिखाई दे रहे हैं कि एक्सपेंसेस में खर्चे में कमी आई है। दोस्तों खर्चे में कमी आना ये बिल्कुल भी ये तय नहीं करेगा कि हमारी इनकम बढ़ गई है। अगर कंपनी खर्चा कम करने के लिए इनकम बढ़ाएगी ऐसा संभव नहीं है, ठीक है खर्चे कम करने चाहिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, पर ये एक फैक्टर नहीं हो सकता कि खर्चे कम किए कंपनी ने तो इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में आगी। अगर आप ध्यान से देखें नेट प्रॉफिट इसका जो पिछले क्वार्टर में क्वार्टर एंडिंग में 113 करोड़ का था, वो गिर के 600 करोड़ का लॉस में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, तो बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। चलिए इसका एनपीए देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है तो एनपीएस रहते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो लोन्स होते हैं, ये वो बैड लोन्स होते हैं जो रिकवर नहीं हो पाते, जिसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब बैंक का पैसा मारा गया। ये आज के टाइम में बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सब जानते हैं। दोस्तों अगर इसका कंपैरिजन हम पीछे जाके देखें तो जहां एक समय मार्च 2017 में 2018 करोड़ के एनपीएस हुआ करते थे, वही बढ़ते बढ़ते मार्च 19 में 7882 करोड़ के एनपीएस हुए हैं। 7882, सोचिए 2000 करोड़ से 7800, मतलब मोटा मोटा 8000 करोड़ के एनपीएस हो गए हैं। ग्रोस एनपीएस अगर प्रतिशत में देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए, जो कभी 1% हुआ करता था, वो 3% एनपीए हैं आज के डेट में। मतलब अगर आप 100 रुपये उधार दे रहे हैं, 100 रुपये ब्याज पे दे रहे हैं, तो 3 रुपये आपके मारे गए, आपके 3 रुपये रिकवर नहीं होंगे। वो आपने अपनी बुक्स में लिख लिया है, आपने तय कर लिया है, मान लिया है कि वो 3 रुपये रिकवर नहीं होंगे। अगर नेट एनपीए का परसेंटेज देखा जाए तो वो भी 2% है, बहुत बड़ी परसेंटेज है दोस्तों इसी को लेके। और देखने की कोशिश करते हैं, अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, हर कंपनी जब अपनी आईपीओ लेके आती है तो अपने कुछ इक्विटी अपने पास रखती है, कुछ इक्विटी एफआईएस के लिए को दी जाती है, कुछ इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करता है, कुछ इक्विटीज में इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, कुछ इक्विटीज प्रमोटर अपने पास रखता है। जो प्रमोटर अपनी इक्विटी अपने पास रखता है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम इस शीट को आपके सामने देखें तो ध्यान से देखने की कोशिश करें, जहां 2019 में प्रमोटर के पास 19.78% इक्विटी अपने पास थी, वहीं दिसंबर 19 तक आते लगातार गिर रहा है। अगर आप देखिए अगस्त 2019 में 17.97 करोड़, सितंबर 2019 में 13 करोड़ रह गया, और दिसंबर 2019 में घट के 8.33 करोड़। मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक लगातार बेच रहे थे, सोचिए एक साल से प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है। दोस्तों 2018 में जहां यस बैंक ने 404 का हाई लगाया था, वहीं से एक साल पीछे अगर जाने की कोशिश करें तो यस बैंक के प्रमोटर अपना माल लगातार बेच रहे थे। अगर प्रमोटर ही अपनी इक्विटी बेचेगा तो इसका मतलब ये है कि उस प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। दोस्तों जब ILFS का एक फ्रॉड निकल के आया था, जब वो केस सामने आया था, तब राणा कपूर जो MD हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे जो शेयर हैं दे आर डायमंड्स, आई विल नेवर एवर सेल माई डायमंड्स। दोस्तों ये हीरे बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हीरे बिके हैं, मतलब पब्लिक को डिसगाइज किया गया, मिसलीड किया गया कि अपने स्टेक कंपनी नहीं बेच रही है, पर कंपनी अपना स्टेक लगातार बेच रही थी। वहीं FIs को देखा जाए तो FIs भी जहां 2019 में 33% इक्विटी लेके बैठे हुए थे, वही गिरते 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 2019 में 15% पे आ गए। 33% से लेके 15%, मतलब हाफ परसेंट, 50% उन्होंने अपना इक्विटी बेच दिया। ना FIs को भरोसा है, ना अपने प्रमोटर्स को खुद की इक्विटी में भरोसा है, तो हम उसमें क्यों भरोसा करें। वहीं अगर DIs को देखें तो DIs अपना माल चिपका के बैठे हैं, अपने पास रख के बैठे हैं।
28% अभी तक उनकी होल्डिंग है, 28-30% के आसपास झूल रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए। लोग क्या करते हैं, देखिए लोगों को सत्तम कंप्यूटर्स याद आता है। सत्तम कंप्यूटर्स जब 10 रुपये से नीचे चला गया था, उनको लगा था इसको खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीद लेना चाहिए। बट जो लोग उस समय ये एनालिसिस कर पाए थे कि सत्तम कंप्यूटर के पास क्या है, एसेट वैल्यू कितनी बड़ी है, वहाँ जो मिस्टर राजू थे उन्होंने जो फंडामेंटल्स में घपले किए गए थे, जो बैलेंस शीट में घपला किया गया था, वो भी कुछ ऐसा सा ही घपला था। बट सत्तम कंप्यूटर्स के पास में नेट एसेट्स बहुत बड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, जिसको बाद में टेक महिंद्रा ने टेक ओवर किया। आज टेक महिंद्रा का शेयर 800 से 900 रुपए चलता है। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या येस बैंक ऐसा कुछ कन्वर्ट हो सकता है आने वाले समय में, ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता, ये आने वाला समय बताएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको येस बैंक यहाँ लेना चाहिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब जब प्रमोटर को अपनी इक्विटी पर भरोसा नहीं है, वहीं हम थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उन्होंने भी पिछले क्वार्टर के मुताबिक अपनी इक्विटी को हल्का किया है, और यहीं पे अगर अब इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, उन्होंने भी अपनी इक्विटीज़ को हल्का किया है। म्यूचुअल फंड्स को देखें, वो भी 9% से लेकर 5% पे आ गए हैं। और रहा किसके पास स्टॉक, रहा आपके और हमारे पास, रिटेल निवेशक के पास, इस उम्मीद में कि शायद वो मल्टीबैगर बनेगा। चलिए इस शेयर के अगर हम पीयर कंपैरिजन देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो इसी फील्ड के हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। इस येस बैंक के जो पीयर कंपैरिजन के जो मुख्य स्टॉक हैं वो हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। HDFC बैंक की अगर आप 52 वीक हाई लोगों देखिए तो 52 वीक हाई रहा 1304 रुपए का और लो रहा 1035 का। गिरावट तो देखिए हाई लोगों के बीच में डिफरेंस है, पर कितना डिफरेंस देखिए, येस बैंक का हाई है 285 रुपए का, 285 से जो लो लगा 29 का, मतलब 10% रह गया शेयर। ICICI बैंक का हाई है 552 और लो है 336 का, 10% नहीं रह गया, 90% नहीं टूटा। कोटक बैंक 1734 से लेके 1209 गिरावट देखने को मिली पूरे साल में, बट उसके बाद रिकवरी भी आई। एक्सिस बैंक 826 का हाई रहा और 622 का लो रहा, बट येस बैंक की हालत एक नो बैंक की तरह रही, 285 का हाई और 29 रुपये का लो। दोस्तों इन सभी के बाद एक बोनस टिप जो मैं आपको देने वाला हूं, जो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए, वो है कि क्या इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे, कौन सा ऐसा प्राइस रहेगा जिसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए अगर बाय करना चाहते हैं तो वो लेवल्स क्या हो सकते हैं। अगर वो मेंटेन हो जाता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, फंडामेंटल सुधरने लग जाते हैं, कोई बायर मिल जाता है, कोई इन्वेस्टर मिल जाता है येस बैंक को, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है येस बैंक में, तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो आने वाले साल में येस बैंक तय कर सकता है। चलिए देखते हैं, इसके लिए हम अपने सीक्रेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे एक बहुत क्लियर एक जर्नी येस बैंक लेने वाला है पूरे साल में, जिसका एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 31.74 रुपीज़ का, जो मुझे समझ में आता है 31.74 रुपए, 31.32 रुपीज़ राउंड फिगर ले लीजिए। अगर ये लेवल मेंटेन हो जाता है, इसको येस बैंक सस्टेन करता है, तो ऊपर की जर्नी रहेगी 40 रुपये, 45 रुपये और ऊपर में 54 होते हुए 72 तक टच कर सकता है। बट जिसके चांसेस हाल फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी से ये शेयर बाहर होने वाला है, इसी दिया शीर्ष सीमेंट लेने वाला है, और आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए निफ्टी से बाहर होने का, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी इसको बाहर कर दिया गया तो हो सकता है इसके दिन और भी खराब हो सकते हैं। तो 31 रुपये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 31 रुपीज़ टूटता आता है तो येस बैंक पुराने दिन देख सकता है, पुराने दिन 23 रुपये और 17 रुपये तक के जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और मिलते रहें, तो कमेंट सेक्शन पे अपने शेयर्स या अपनी जो कमेंट्स आप करना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा, उन कमेंट्स को हम ज़रूर पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और शेयर पर ऐसा ही वीडियो बनाया जाए तो उसको ज़रूर सुना जाएगा, समझा जाएगा, और आपके लिए ऐसे वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। Thank you so much for watching this video. Take care.